फिल्म स्टार ज़ारा भी तो आप ही की वजह से मरी थी ना। गलत बोला क्या मैंने? आप तो उसे यूज कर रहे थे ना। आप लोग फोटोग्राफ खींच रहे हो, उठाइए इन्हें। ओ ओ ओ, कहाँ चले बरखुरदार? तुमने एक इनोसेंट सिटीजन को इस तरह से घायल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछा तो तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है पब्लिक तुम्हें ऐसे ही जाने देगी? नो नो नो, चुप रहने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। आई वांट एन एक्सप्लेनेशन। क्या हुआ, जवाब दीजिए मिस्टर हीरो। ओ, कहीं तुम मुझे भी उठा के तो नहीं फेंक दोगे? फिर भी मैं तुमसे जवाब चाहूंगा। यू कैन नॉट डू दिस। You cannot just escape like that. You have to explain. कुछ तो हो रहा है अंदर से इसको, जो दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव, अंधकार का असर होने लगा है और वीर उसके आगे कमजोर पड़ रहा है। वो हर दिन निरंकुश होने के एक पग निकट जाता है, फिर भी हर हाल में वो हिलाल को जीतने नहीं देता। हमेशा गलत साबित किया है उसने हमें। जब तक उसके पास अपने आप को रोकने की क्षमता है, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। ऐसा भी जल्द ही होगा गुरुदेव। कब होगा? 3 महीनों से हम यहाँ हैं, तुच्छ इंसानों की तरह तुच्छ बन के रह रहे हैं, बस अब और नहीं। आप धीरज रखिए। धीरज? मृत्यु द्वार से मुक्त कर 12 असुरों को हम लिया है, जो हमारी सेना है, जिसका सेनापति वीर को होना है। और इसके लिए हलाल का पूरी तरह काम करना आवश्यक है, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। पीछा करो, पता लगाओ हलाल उस पर काम क्यों नहीं कर रहा। जाओ जी। चलिए, मुझे ये तो पता चल गया तू मेरे बारे में क्या सोच रहा। लेकिन मेरे जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे ना, वो मेरे भाई से थे। अरे, अपनी दुनिया में इतना खो गया है ना तू, कि अपनों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तुम्हारा जो भाई है ना, वो सेल्फीज में इतना सेल्फिश हो गया है कि उससे कुछ भी नहीं दिखता। पंटू का गायब मोड ऑन तेरी लाइफ से। Thank you.
आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी बट गुड तुमने अच्छे से हैंडल कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आदिति इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज अर्जुन की बरसी है ना? यस सर। यू टेक द डे ऑफ। तुम्हें ब्रेक की जरूरत है बेटा। थैंक यू सर बट आपको पता है ना ब्रेक लेने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। माय वर्क नीड्स मी। मैं जानता था तुम नहीं मानोगी। कांट कंप्लेन। और सच पूछो तो तुम्हारी इसी सिंसियरिटी और डेडिकेशन की वजह से यू आर माय फेवरेट। थैंक यू सर। हद में नहीं रह जाता ना तुम लोगों से। हीरो बना विलन। तस्वीरों में साफ नजर आ रही है हीरो की दहशत। जैसा कि आप देख रहे हैं रिपोर्टर को किस बेरहमी से पीटा गया। शहर का रखवाला कहलाने वाला आपका अपना हीरो। क्या जनता को मीडिया को हीरो से सवाल करने का कोई हक नहीं है? ये पुलिस स्टेशन आपका ड्राइंग रूम है? सॉरी मैडम। रिलैक्स आदिति, ये सारी चीजें हमारे काम का हिस्सा है। देखो ये खबर हॉट टॉपिक बनी रहेगी कुछ दिनों तक और फिर लोग भूल जाएंगे। हालांकि मुझे इस बात से इनकार नहीं कि हीरो ने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था। बट मीडिया का इस तरह से पर्सनल अटैक भी तो अनफेयर है। दैट रिपोर्टर यू सी दैट इडियट ही डिड क्रॉस अ लाइन। बट सर मेरा कंसर्न ये नहीं है। आई मीन मैंने हीरो को पहली बार ऐसे नहीं देखा है विद दिस एंगर एंड अग्रेशन। और सर मुझे डर है कि फ्यूचर में ये कोई बड़ा इशू बन के ना रह जाए। गुड। पोटेंशियल थ्रेट आइडेंटिफाई करना इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन हाँ हीरो की पर्सनल लाइफ पर कोई भी अटैक करे मैं उसे भी फेवर नहीं करूंगा। एंड आदिति वी ऑल नो, हम सब ये जानते हैं कि हीरो की जिंदगी में क्या कुछ नहीं गुजरा है, क्या कुछ नहीं देखा है उसने। उसका ट्रिगर होना लाजमी था। महज 3 दिनों के वक्फे में उसने अपने अजीज दोस्त जारा को खो दिया, अपने भाई शिवाय को खो दिया, पिता जो गायब थे एक अरसे के बाद मिले फिर खो गए, मां से दूर हो गया। आई कैन रियलाइज कि क्या कुछ उसकी जिंदगी में गुजर रहा होगा। आदिति, हीरो पर उंगली उठाना आसान है लेकिन हीरो बनना। एनीवेज मैंने उस रिपोर्टर से बात कर ली है। ही इज फाइन नाउ सो यू डोंट नीड टू बी टेंस। ओके जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सर। कभी कभी तुम मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आते हीरो। कौन हो तुम? कैसे हो मेरे दोस्त? आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। एक पहाड़ होता है बाहर से शांत पीसफुल पर अंदर उसके लावा भड़कता रहता है। अ डोरमेंट वोल्केनो। तुम्हारे
अंदर का वो भड़कता हुआ ज्वालामुखी हूं मैं, जिसे तुमने दबा के रखा हुआ है। क्या? Oh, come on. पहले तुम क्या थे? एक शाही, शरीफ, सीधा साधा, अंडर कॉन्फिडेंस, गुड बॉय, याद है ना? पर अब ये एटीट्यूड, ये स्वैग, ये चाह, ये मैं हूं। I make arrogance look good on you, Ve. Oh, संस्कारी ट्यूबलाइट फड़फड़ाता ही रहेगा या चलेगा भी? खैर मेरे बिना तो तू क्लूलेस है। मान ले कि तुझे गुस्सा आ रहा है, अपरंपार वाला, मानना क्या है? तुझे आ ही रहा है, खून खौल रहा है तेरा। कैन यू फील इट? तेरी रगों में जो अंगार दौड़ रहा है। बस 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 बस, वो हूं मैं। वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो रेज, दैट्स मी। योर्स स्टॉप, स्टॉप इट बीट। ये क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? नफरत की ताकत को महसूस कर, भरने दे अपने गुस्से को। एंजॉय द पावर ऑफ रेज, वीर, एंजॉय द पावर ऑफ रेज। यस 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 यस, गुस्सा चस्ता है तुझ पे वीर। क्या चाहता क्या है तू? ए चुप, चिल्ला मत। यार से बात कर यार, आफ्टर ऑल आई एम यू। तो मैं क्या चाहता हूं? वही जो हर कोई चाहता है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। तेरी दोस्ती चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तू मुझे दबा के ना रखे, इग्नोर ना करे। एक्सेप्ट मी द वे आई एम। मैं चाहता हूं कि तू मुझे आजाद कर दे। मान ले कि मैं हूं तेरे अंदर, मैं हूं तेरा हिस्सा, हूं मैं। इतनी सी बात है, बस यही चाहता हूं मैं। इम्पॉसिबल। तू और मैं कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? इतना बुरा हूं क्या मैं? चड्डी चुरा के भागा था क्या तेरी? मुझे एक्सेप्ट करेगा तो फायदे में रहेगा। तू और तू मिलके रॉक कर देंगे। इतनी ताकत, इतनी ताकत आ जाएगी तुझमें कि तुझे ये तेरी रिंग बेकार लगने लगेगी। कोई नहीं होगा इस संसार में जो तुझे हरा सके। जिसे चाहे उसे तबाह और बर्बाद कर सकता है तू। अभी तो तूने पावर का भी नहीं देखा है। अभी तो पावर के टावर पे चढ़ना है तुझे, और तेरी सीढ़ी मैं। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। तो मार दे, सोच क्या रहा है? वैसे टेक्निकली तो वो सुसाइड होगा, क्योंकि तू, मैं हूं, मैं तू, you know what I mean, right? खैर छोड़, तेरे लिए कुछ भी, जो दिल में आ रहा है वो कर। किसी भी इमोशन को रोक मत, let it flow, क्योंकि तभी तो मिलेगा मुझे acceptance. Come on, Veer, hit me.
Hit me, Veer. Hit me! Come on, Veer! Hit me! Hit me, Veer! Hit me! Ah! Hit me, Veer! ये राज है, गुरुदेव को बताना होगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? सबको लगता है कि मैं बदल गया हूं, पर कोई ये नहीं जानना चाहता है कि क्यों। कैसे बताऊं सबको कि मेरे बस में कुछ भी नहीं। I'm helpless. कितनी कोशिश की कि उस पोर्टल ऑफ डेथ को खुलने से रोक सकूं, पर नहीं रोक पाया। उसे खोलने वाला भी अजाब घूम रहा है। कैसे लड़ू बुराई से भगवान, जब सबसे बड़ा शैतान मेरे ही अंदर। प्रोफेसर जैसे क्रिमिनल्स को तो मैं रोक सकता हूं, पर खुद को कैसे बचाऊं जब सबसे बड़ा विलन मेरे ही अंदर है। ये कैसी लड़ाई है भगवान, जहां पर हर सूरत में बस मेरी ही हार है। गुरुदेव वो लड़ता है उससे, इसी कारण हलाहल वीर पर असर नहीं कर रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है गुरुदेव वीर को उस शैतानी साये से लड़ते हुए। हमें अनुमान लगाना चाहिए था कि वीर का मन और उसकी आत्मा अति शुद्ध है, जिसे वश में करने के लिए हमें एक विकराल असुरी शक्ति की आवश्यकता है, जो उसके अंदर की अच्छाइयों को समाप्त कर सके। परंतु ऐसी शक्तियां कहां मिलेंगी गुरुदेव? क्या आपके पास कोई मार्ग है? गुरु शुक्राचार्य मार्ग ढूंढता नहीं, मार्ग बनाता है। इस वक्त हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, और हम जानते हैं कि उसका उत्तर हमें कहां मिलेगा। गणेश जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा, प्लीज मुझे इस अंधेरे से निकालिए। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे, और कितना जहर पीना होगा मुझे, और अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाई, प्लीज मुझे इस अंधेरे से निकालिए। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे, और कितना जहर पीना होगा मुझे, और कितना। अंधेरा उजाला, विष अमृत, अच्छाई बुराई, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर रावण के लिए एक राम जी को जन्म लेना ही पड़ता है। श्री कृष्ण के लीला के लिए अत्याचारी कंस का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छाई और बुराई सब एक दूसरे में समाई है, बस देखने वाले की नजर का फर्क है। अपने मन की आवाज को सुनो, अंतर के दृष्टि से देखो, अच्छाई दिखेगी। उसी रास्ते को चुनो, उस पे आगे बढ़ो, विघ्नहर्ता हर संकट का नाश करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, बड़ा ही पावन अवसर है। शुद्ध मन से उन्हें पुकारो, तुम्हारे अंदर जो भी पीड़ा है, अंधकार है, वो जरूर उनसे लड़ने की शक्ति देंगे। बोलो गणपति बप्पा।
गणेश जी, आज इंटेरोगेशन के लिए नहीं आई हूँ, एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आज अर्जुन की बरसी है, प्लीज उससे कहिएगा कि मुझे उसकी बहुत याद आती है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो आपके पास है, मुझे पता है ठीक ही होगा, लेकिन क्या करूँ, बहन हूँ ना, फिक्र करना तो बनता है ना। उसे ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारी खुशियां देना, और हाँ उससे ये भी कहना कि बहन को भूल जाना अलाउड नहीं है। हाँ आजकल तो सपनों में भी कम आने लग गया है। अच्छा मैं मानती हूँ कि मैं भी थोड़ा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, लेकिन उसका साथ नहीं है तो कम से कम उसका एहसास तो जिंदा रहे। पूजा पाठ कर रही है? कर ले बेटा याक्षिणी, कर ले, तेरे को तो जरूरत भी पड़ने वाली है। नमो सहस्त्र नमः पुरुषाय सहस्त्रते सहस्त्र योगी योद्धारिणी नमः। आज वीर ने तेरी वजह से हमारे दोस्त होने पर, हमारा भाई होने पर सब पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तेरा पार्टा तो फोड़ के रखा मैं। हीरो, क्या तुम हो? इज दैट यू? इसे क्या हुआ? Are you okay? हीरो, ये क्या हुआ? ऐसे आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो। ओह गॉड, पानी कहाँ है? यही तो रखा था मैंने, ये लो पानी पियो। अदिति। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, लगता तुम्हारी शुगर लो है। ये लो चॉकलेट का एक पीस खा लो, बेटर फील करोगे।
सहस्त्र नमने पुरुषाय सरस्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमः। इसमें तेरी असियत रिकॉर्ड हो जाए फिर देख, भाई का बहन का सबका बदला लेगा तेरा पत्तो। नमो सहस्त्र नमने पुरुषाय सहस्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमः। कहिए गुरु शुक्र, कैसे याद किया? वीर पर हराल का प्रभाव संपूर्ण रूप से कैसे होगा ये जानना चाहते हैं। इस समस्या के निवारण के तीन पड़ाव हैं। पहला, उस असुरी शक्ति का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करना होगा। दूसरा, अपने सबसे प्रियजन का विश्वास तोड़ना होगा। तीसरा और सबसे भयानक, एक निर्दोष मनुष्य की हत्या करनी होगी। यदि वो ये तीनों कार्यों को संपूर्ण कर लेता है तो वही होगा जो आप चाहते हैं। ये देखिए उस सुखद भविष्य की एक झलक। अभी ठीक लग रहा है? बाहर से मेरे साथ इतनी सख्त बनती है पर अंदर से मेरे लिए कितनी कहर है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं। ऑल ओके? आर यू ओके? हाँ, मुझे क्या हुआ? पुलिस वाली होकर झूठ बोलती हूँ, मंदिर के सामने पाप लगेगा। मैंने देखा तुम्हें अंदर, तुम पीछा कर रहे हो मेरा, और अगर नहीं भी कर रहे तो हीरो का मंदिर में क्या काम? एनीवे छोड़ो, क्योंकि सीधा जवाब तो तुम दोगे नहीं, तो रहने दो, छुपे रहो। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। घर नहीं, कहीं और ड्रॉप कर सकती हूँ। ओके। गुरु शुक्राचार्य की सेना में तुम्हारा स्वागत है मेरे 13वें योद्धा। वीर, असुर सेना के सर्वशक्तिशाली सेनापति वीर का स्वागत है। अरे क्या कर रहा है? अब तू मुझे बताएगा कि किसे बचाने और किसे नहीं? लैब में काम करने वाला एक चूहा है तू। वीर ने जो भी पार्टी में किया, अग्रेशन, गुस्सा, वो सब शुक्राचार्य का प्लान था। What the hell? बंटू, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। वेलकम टू हेल।
अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो मैडम, कहीं दिल विल लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें ना मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं हूँ ही आउट ऑफ सिलेबस। गॉड, मैं ट्राई भी क्यों करती हूँ? आई मीन सीरियसली, कोई कितना अजीब कैसे हो सकता है? बट सच में एक पहेली की तरह हो तुम मेरे लिए। व्हाट डू यू मीन? पता नहीं, कभी कभी तुम बहुत अजीब लगते हो मुझे। ना किसी की सुनते हो, ना कुछ देखते हो। ऐसा लगता है एंगर और एग्रेशन ने तुम पर टेक ओवर कर लिया और तुम नहीं रहते। आई मीन जब तुम नॉर्मल होते हो वैसे नहीं रहते। जैसे मैंने सीएम के घर पे तुम्हें सुना था, तुम इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे। आई मीन लिटरली यू आर स्क्रीमिंग। एंड फिर पुलिस स्टेशन में, वहां एक बार फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। हीरो, हीरो वो मर जाएगा। एंड अब ये रिपोर्टर वाला सीन, आई डोंट गेट दिस, ये तुम्हें हो क्या जाता है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज कोई तुम पर रीच आउट भी नहीं कर सकता बिकॉज इट्स जस्ट यू एंड योर एज। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे कंट्रोल होगा, लेकिन मुझे बंटू से मिलकर ये सारी चीजें उसे बतानी पड़ेंगी और उसे सॉरी भी बोलना है। क्या हुआ, तुम बड़े चुप हो आज? फाइनली मैंने हीरो की बोलती बंद ही करा दी। आई ओके? कहीं तुम्हारी जासूसी की ये आदत तुम्हारी जान ही ना ले ले। शुक्राचार्य गुरु, शुक्राचार्य। पर बरखुरदार तुम जा कहाँ रहे थे? अभी अभी तो आए हो, बिना खातिरदारी के ही चले जाओगे। शुक्राचार्य खाली हाथ किसी को भी नहीं जाने देते हैं। तुम मेरा प्लान जानना चाहते हो ना? मैं खुद उत्सुक हूं तुम्हें अपना प्लान बताने के लिए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? शिका, इसने अपनी जान दांव पे लगा दी तुम्हें जानने के लिए। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बनता है। जी गुरुदेव, क्या जानना चाहते हो तुम? बंटू, बंस, कि मैं कौन हूं या मेरे इंटेंशंस क्या हैं? मैं वीर को फंसा रही हूं या नहीं सब बताऊंगी। मैं एक यक्षिणी हूं और ये टैटू मेरे यक्ष कुल की निशानी है, एकदम रियल। और इस लड़ाई में मैं असुरों के साथ हूं। अब आते हैं टची टॉपिक पर। मैं वीर का इस्तेमाल कर रही हूं, उसे मैनिपुलेट भी कर रही हूं, तो क्या कर लोगे तुम? अरे अरे यक्षिका, अगर इसने वीर को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तुम तो बता दोगे, फिर तुम्हारी सुनेगा कौन? गुरुदेव, ये तो कब से कोशिश कर रहा है वीर को सब कुछ बताने की, पर वीर है कि इसकी सुनता ही नहीं। आग के करीब जाओगे तो जल ही जाओगे, इसमें आग की क्या गलती? देखो, अगर तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ऑल राइट, पर मुझे नहीं लगता ये सब तुम गुस्से में आके करते हो।
I'm sorry, I don't buy that. तुम मंदिर रोज जाती हो? नहीं, once a year. जब contract renewal का time होता है. भगवान के साथ contract, that's interesting. कैसा contract? मेरा और उनका relationship थोड़ा complicated है. तो इसे हम उनके और मेरे बीच में रहने देते हैं. Come on, यहाँ इंसान से इंसान handle नहीं होता और तुम भगवान से भी complicated relationship बना के रखी हो. I mean भगवान तो वही होते हैं जो सारी complicated चीजों को sort out कर देते हैं, पर तुम्हारा तो उनके साथ भी complicated relationship है, Mr. Law and Order. As expected. खैर छोड़ो, तुम्हारी भगवान के साथ क्या equation है, इससे मुझे क्या करना है? मैं किसी की personal life में interfere नहीं करता. That's bad manners, you know. वैसे तो मैं छोड़ना कहाँ है? सरप्राइज, कीप गोइंग, चलती रहो. क्या हुआ? लाइफ में थोड़ा तो सस्पेंस होना चाहिए. अब माना कि हीरो सस्पेंस कम और शॉकिंग सरप्राइजेस ज्यादा देता है, पर अब तक तो तुम्हें हीरो के शॉकिंग सरप्राइजेस की आदत लगी गई होगी. एंड आई गेस तुम्हें वो अच्छे भी लगते हैं. क्यों? सीरियसली, इसका गायब मूड ऑफ ही रहना चाहिए था. कुछ कहा क्या तुमने? नहीं. शुक्र, तुम और तुम्हारे साथ जो चलने वाले हैं ना, लोग ज्यादा टाइम बचने वाले नहीं है. अगर वीर को तुम लोग की असलियत पता चल गई ना, तो तुम लोग की ऐसी बात लगाने वाले हैं ना. पर तुम बताओगे कैसे बंटू? मैं तो तुम्हारी याददाश्त अभी छीन लेने वाली हूँ. क्या हुआ, ये बात तुम्हें अपने रिसर्च में पता नहीं चली? यही तो करती है यक्षिणी. नो 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 नो, व्हाट द फन इन दैट? इतने समय बाद तो एंटरटेनमेंट का मौका मिला है. लेट्स हैव सम फन. हम असुर हैं, यक्ष हैं, दूसरों को कष्ट देकर उसका आनंद लेना, यही तो हमारी प्रकृति है. तो आपकी योजना क्या है गुरुदेव? सोचो कितना मजा आएगा. इसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा. अरे बेकार है तुम लोग की प्लानिंग, योजना भोजना सब गटर में जाने वाली, समझ रहे हो गुरुदेव? बस मसूर का नाम सुना है तुमने. अरे बेकार है तुम लोग की प्लानिंग, योजना भोजना सब गटर में जाने वाली, समझ रहे हो गुरुदेव? बस मसूर का नाम सुना है तुमने. ये दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनने से पहले बस मसूर एक शिव भक्त था. उसने बहुत प्रतिज्ञा की, सालों तक ध्यान में बैठा रहा और फिर एक दिन जी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा वो बस हो जाएगा, और शिव जी ने कह दिया तथास्तु. और तब से उसका नाम है बस मसूर. यक्षिका, तुम्हें पता है ना वो असुरी शक्ति ने हमें क्या कहा था कि वीर के अंदर के शैतान को जगाने के लिए हमें वो तीनों कार्य संपूर्ण करने पड़ेंगे, तब वो भी हमारी तरह बनेगा एक महान असुर. वीर असुर उचित है गुरुदेव, यही तो प्लान है बंटू. वीर के अंदर एक्चुअली हलाहल है जो उसे बदल रहा है, इसी वजह से वो इतना एरोगेंट और इतना अग्रेसिव हो रहा है. पर तुम्हारा दोस्त पूरे तरीके से हलाहल के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो प्योर ईविल नहीं बनेगा. हमें चाहिए कि वीर प्योर ईविल बने. मैं जानता हूं कि काम मुश्किल है, परंतु
शुक्राचार्य को चुनौतियों से कुछ खास लगाव है। कहानी तो तुमने सुन ली, परंतु उसका तात्पर्य भी सुनो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे पास भस्मासुर की आत्मा है। अब यदि मैं उस आत्मा को किसी मासूम के शरीर में डाल दूं, तो तबाही मच सकती है। तबाही मचेगी तभी तो हीरो आएगा, और हीरो आएगा तो गुस्से में उसे मार देगा, परंतु वो तो एक मासूम है और हम अपनी योजना का पहला चरण पूरा कर देंगे संपूर्ण तरीके से। अपने सुंदर से शरीर को इस महान काम के लिए डोनेट करने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बड्डू? स्टॉप द कार। मेंटल रिहैब सेंटर? चलो तुम्हारा इलाज कराते। व्हाट? आर यू किडिंग मी? अगर ये मजाक है ना तो ये बहुत घटिया मजाक है। कितना सीरियसली लेती हो ना मुझे? आई लाइक इट। पर मैं यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आया हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। चलो। मैं? ऑफ कोर्स तुम। आ जाओ। यक्षिका, तुम्हारे विचार तो बहुत रोचक है, परंतु यदि हमने भस्मासुर की आत्मा को बंटू के अंदर डाल दिया तो बंटू को आज का दिन याद नहीं रहेगा, और ये हम नहीं चाहते। इसने बिना हमारी आज्ञा के हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की है। दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। हम इसे तड़पाना चाहते हैं। जब ये अपने अपनों को मरता हारता देखेगा, बिल बिला कर रोएगा, वो होगी इसकी सजा। शुक्राचार्य, अरे पंटू, तू तो हमारे महाभारत का धृतराष्ट्र है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम सब जानते हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। है ना मजेदार? गुरुदेव, तो क्या इस कार्य के लिए मैं किसी और को ले आऊं? अरे रे रे रे, जब हम खेल खेल ही रहे हैं, क्यों ना खेल का पूरा आनंद लें? इस द्वार से अगला जो भी इंसान आएगा वो होगा हमारा भस्मासुर। उसमें जाएगी भस्मासुर की आत्मा। अरे बंटू, क्या लगता है तुम्हें इस द्वार से अगला कौन आएगा? वीर का कोई चाहने वाला, वीर का दोस्त, या वो एएसपी अदिति? हाँ, वो सही रहेगी। वैसे भी वीर उसे कुछ खास पसंद है नहीं, या तो वो व्हाट्सएप, क्या उनका स्वीटी मीठी हैशटैग बहने। बहुत भारी कीमत चुकाकर तो शुक्राचार्य। ए बंटू, बक बक करके क्यों मेरे खेल को खराब कर रहा है तू? बताना, क्या लगता है तुम्हें अगला कौन आएगा? गुरुदेव, मेरा दाव तो वीर की बहनों की तरफ है। भस्मासुर की आत्मा अगर स्वीटी या मीठी में से एक पर जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो दोनों भोली हैं, बेवकूफ हैं। जरा सा प्यार से बात कर लो, पिघल जाती है। भस्मासुर की आत्मा यदि स्वीटी या मीठी में जाए तो उनका एक नया और इंटरेस्टिंग शेड सामने आएगा, और यही सही रहेगा। इससे वो दोनों किसी पड़ोसी के घर बिन बुलाए घुस नहीं जाएंगी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, घुसेंगी कैसे? वो जिंदा रहेंगी तब ना। कहाँ है तू?
रॉकी, रॉकी तो आ गया, मेरा बच्चा तो वापिस आ गया। पता है मैंने तुझे कितना मिस किया है, पता है मैं भी तुझे याद कर रही थी। मेडिसिंस की वजह से हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गया। तू इधर बैठ, इधर इधर। देखो पता है रॉकी, मैं तुझे कितना मिस करती थी, मैं कितना अकेली पड़ गई थी यहाँ पे। और ये पता है उस वीर की वजह से हुआ है, मुझे नहीं देखनी उस वीर की शक्ल। जानता हूँ, मेरा बच्चा, तुझे पता है मैंने तेरे को कितना मिस किया है। हर पल तुझे मिस करती थी मैं, हर पल। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। This is बिंदु रंजीत सिद्धवानी, this place doesn't suit you. आपके घर वापस चलने का टाइम आ गया है। मुझे नहीं जाना तेरे साथ। तू आज तो मुझे लेके जाएगा, फिर कल ही वापस छोड़ जाएगा मुझे। कोई नहीं छोड़ेगा आपको यहाँ पर वापस, कहीं नहीं जाने दूंगा। तू पहले प्रॉमिस कर। पक्का प्रॉमिस, साथ में दही भल्ले पापड़ी चाट भी खाएंगे। ये देख, ये तेरा बचपन का तेरा फेवरेट डैडी, इसे भी अपने साथ ले चले। आखिर कौन हो तुम? सच में तुम मेरी समझ से बाहर हो। आप? वीर है घर पे। वीर बाबा तो कल से घर नहीं आए, और मामा जी भी उनके बारे में पता करने के लिए गए हैं, और स्वीटी मीठी जो है शायद पड़ोसी के यहाँ गई है। वहाँ? जी। कोई तो आ रहा है इस तरफ। दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रंजीत, मुझे वीर से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। वीर तो कहाँ है बच्ची दी? कल रात से वो घर नहीं आया, उसका फोन नहीं लग रहा है। गायब है वो, जहाँ भी हो बस ठीक हो। जब भी आए उसे कहना मुझे इस नंबर पे फोन करे, बहुत जरूरी बात करनी है। दीदी आप आई क्यों यहाँ? आप बिना वजह तो आती नहीं है, ये हमारे लिए आसान नहीं होता है। दीदी रंजीत, मृत्यु द्वार किसी ने खोल दिया है, और वो असुरी शक्ति हमारे ही बीच कहीं घूम रही है। वीर के लिए बहुत नाजुक समय है। ये सब ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, कोशिश जारी है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि आदमी जो कोई भी है, इसने हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है। अभी वीर का ध्यान रखना होगा रंजीत, शायद पहले से भी ज्यादा। तुम अपने तरीके से रखो, मैं अपने तरीके से। अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुरुदेव कोई अंदर आने से पहले ही लौट कर चला गया, उसे पता नहीं है कि वो मृत्यु के कितने करीब से आकर लौट गया। It's so thrilling. Thank God. But not for long.
देख रही हो? तुम्हारी मल्टीपल पर्सनालिटीज, आई मीन तुम ऐसे चेंज होते हो जस्ट लाइक दिस। ये क्या बातों का बूमरैंग लगा रखा है तुमने, और ये बार बार क्या रिपीट कर रही हो? क्या बदल जाता हूँ मैं? हे रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन तुम एक पल में इतने अच्छे और फिर दूसरे पल में तुम बुरा हूं मैं। और अगर अच्छा हूँ तो भी प्रॉब्लम है तुम्हें, और अगर मैं अच्छा हूँ तो इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है? एक सेकेंड। कितना जानती हो मुझे जो तुम मुझे जज कर रही हो? एक सेकेंड। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ? लुक, जस्ट लीव इट। वैसे भी आज मेरा दिन बहुत। आई वोंट। जानना है मुझे, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? कैन आई नॉट बी अ गुड पर्सन? एक्सक्यूज मी, आंसर मी। हीरो छोड़ो मुझे, जवाब चाहिए मुझे अभी। हीरो इज हर्टिंग मी। तुम्हें लगता है मैं बुरा इंसान हूँ, अच्छाई के काबिल नहीं हूँ? लेट मी गो। सच सुनना है मुझे, और सच सुने बिना तुम मेरी गिरफ्त से कहीं नहीं जा सकते। तुम अच्छे हो या बुरे ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अच्छा बनने का नाटक जरूर करते हो। लोगों के सामने तुम अच्छे जरूर होगे, नॉट बिकॉज तुम हो, बट बिकॉज तुमने अच्छा बनने की इमेज बना रखी है, दुनिया के सामने भी और शायद खुद के सामने भी। लेकिन असलियत में तुम एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान हो जो सिर्फ खुद की परवाह करता है। अरे अपनी दुनिया में इतना खो गया है ना तू, कि अपनों की फीलिंग्स की परवाह नहीं तुझे। अर्जुन जामवाल याद है? अर्जुन सब मान, जिस इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी हो वो दूसरों के बारे में क्या ही जानता होगा। लुक, दुनिया के सामने तुम कुछ भी हो, हीरो, सुपर हीरो या व्हाटएवर, लेकिन मुझे तुम्हारा सच पता है। पता नहीं भैया कहाँ पे हैं। I just hope he is fine. यार ऊपर से भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। Try करती रह तू। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी बहुत फिक्र है उसकी। But I think we should just let him be. After all, अभी बंटू से उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। बंटू का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मामा जी। Mommy, we missed you so much. Bindu. Bindu. आज से मामी जी हम लोगों के साथ रहेंगी। मामी जी आ गई है ना, अब देखना हमारे साथ रह के मामी जी एकदम जुब से ठीक हो जाएंगी। अब इन्हें जुब से अंदर लेकर जाओ, ये सेवा करो। ओके भैया। मामा जी, हॉस्पिटल में मामी बहुत अकेली पड़ जाती थी। हम सबके साथ रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो नॉर्मल भी हो जाएंगी। पर मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो आयुष से बात करूं मैं? I know, वो बहुत बिजी डॉक्टर है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते शायद हमें टाइम दे दे। ठीक, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे उससे दूर रखेगा, कहना मेरी उसकी थोड़ी जमती कम है। उसकी चिंता मत कर दो, इनफैक्ट अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। कौन होगा? अरे मैंने सुना वो मामी वापस आ गई है। हाँ, खैर
लो मामा, उन्हीं की पत्नी के बारे में तो बात कर रहे थे, सबके प्यारे सबके चहेते मामा जी। डॉक्टर आयुष, आर यू होम? लॉन्ग लाइफ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप डेंजर में। आइए आइए, अब जाइए यहां से। मामा जी। हाउ आर यू डॉक्टर? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। जिस इंसान को सिर्फ खुद की पड़ी वो दूसरों के बारे में क्या ही जानता होगा। हाय, व्हाट्स अप? कैसा फील हो रहा है? मी बीइंग यू। क्या कमाल लगते हैं हम दोनों साथ में। Oh, come on. अब इतना भाव भी मत का, जस्ता हूं तुझ पे। And you know it. खैर छोड़, तूने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? वही हाथ मिलाने वाला, अनलिमिटेड पावर वाला, दुनिया पर कब्जा करने वाला। एक्सेप्ट कर ले यार, हम दोनों मिलकर रॉक कर देंगे। मैं जितना मैं अपने आप को जानता हूं, जितना मैं तुझको अच्छे से जानता हूं, मेरी गारंटी है यू विल गोइंग टू लव इट। कम ऑन वी।